Hi friends, welcome on my channel Indian Mommy Hashtag New Baby. Happy Navratri to all of you. और आज मैं क्योंकि मैंने फास्ट नहीं रखे हैं, मैं दादी को फीड करा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फास्ट नहीं रखे हैं. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लंच रूटीन, जो कि मेरा नवरात्रि का लंच रूटीन है. और क्योंकि हमारे घर में नवरात्रों में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज आपका अपनी एक रेसिपी, जिसमें मैं कोई प्याज लहसुन नहीं डालूँगी और मेरा पूरा जो लंच है वो विदाउट प्याज लहसुन होगा. सो लेट्स जॉइन मी इन माय लंच रूटीन, नवरात्रि लंच रूटीन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. तो फ्रेंड्स, अभी आज मैं बना रही हूँ अरबी विदाउट, और मैंने अपनी अरबी जो है ये काट ली है. एज़ यू कैन सी, मेरी अरबी कट गई है और इसी में मैंने ग्रीन चिली भी चॉप्ड कर ली है. और सो आई एम शोइंग यू द रेसिपी ऑफ मसाला अरबी विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक. सो अभी मस्टर्ड ऑयल के पकने का इंतज़ार, तो एज़ यू कैन सी इसमें मैंने अपनी अरबी की सब्ज़ी काट कर रख ली है. ये भी मसाला ही इट्स रेडी, और कुकर गरम हो रहा है, अभी पूरी तरह से पका नहीं है. और मैंने अपना आटा जो है वो, तो अभी मैंने आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया है, और तब तक मेरा तेल जो है सरसों का वो पक जाएगा. और मीनवाइल मैं आटा गूंद लेती हूँ. इस तरह से मैं अपना जो टाइम है वो सेव कर लेती हूँ और मेरा काम जो है वो थोड़ा जल्द आता है. तो अभी मेरा आटा गूंद रहा है, और मैं आटे को मांडते मांडते ही उसमें जो है लोच लगाना ही बोलते हैं हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में. आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मतलब बिल्कुल गूंदना जो होता है वो एक मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ. और अब मतलब जो प्रेशर के साथ जो हम आटे को सॉफ्ट करते हैं उसको हरियाणवी में लोच लगाना बोलते हैं. आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं कि उसको हिंदी में क्या बोलेंगे. तो मेरा आटा जो है वो अभी रेडी हो गया है, और अब मेरा सरसों का तेल जो है मुझे लग रहा है, लेट्स सी क्या स्टेटस है. हाँ जी, ये बिल्कुल पक गया है. इसमें मैंने अभी डाला है हींग, और अब मैंने इसमें डाल दिया है अजवाइन के बाद मैं डायरेक्ट अरबी और ये हरी मिर्च मैंने डाल दी है. प्याज लहसुन मैंने यहाँ नहीं डाला है. और अब मैं इसमें डाली है हल्दी और सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट ऐड कर लीजिए. और अभी मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, बस इतना ही सब डालना है. इसके बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा, नॉट इवन हाफ कप से भी कम. ये देखिए, ये अच्छे से हल्दी वगैरह इसमें मिक्स हो गई है और पक गई है. और अभी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हाफ कप पानी डालूँ, बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है, और उसको मिक्स कर बस कुकर को बंद कर देना है. दैट्स इट, अच्छे से स्टर कर लीजिए और कुकर को बंद कर देना है. 3 से 4 सीटी में हमारा जो है सब्ज़ी बन जाएगी, और बहुत जल्दी सीटी आ जाती है इसमें. और मैंने अभी कुकर को शिफ्ट करके दूसरी गैस पर रख दिया है, और तवा अपना गर्म होने के लिए रख दिया है सिम गैस पर. तब तक जब तक मेरा तवा गर्म होता है, तब तक मैं अपना जो दही है उसको
चॉपर में ग्राइंड कर लूँगी पूरा, और मेरा दही जो है अभी रेडी हो जाएगा रायते के लिए। और ये देखिए, ये मैंने दही को ग्राइंड कर लिया है और अब इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। लेट मी टेक इट आउट इन द बाउल। इसमें मैंने डालूंगी ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, चाट मसाला, काली मिर्च भी डालती हूँ मैं, और मैं डालती हूँ भुना हुआ जीरा, वो मैं एडवांस में ही रखती हूँ अपने घर में स्टोर करके। तो मैंने अपने लिए हाफ कटोरी लिया है और हस्बैंड के लिए फुल कटोरी, बिकॉज़ मैं दही बहुत ही मुझे नहीं खानी है क्योंकि मैं दैविक को फीड करा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत कम दही खा रही हूँ। तो इसमें बूंदी जो है रायते की वो मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, वो हम खाने के टाइम पर ही ऐड करेंगे। हाय गाइस, सो अभी मेरी लंच की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस मेरी रोटियाँ बनानी बची हैं और मुझे सिर्फ अभी बस मेरे बचे हैं फुलके उतारने। तो इसमें मेरी सब्जी बन गई है, मेरी गैस बंद है और मेरा तवा गरम हो चुका है एज़ यू कैन सी, और मैंने सिलेप भी पूरा साफ़ कर लिया है। मैं सिलेप पर ही फुलके बनाती हूँ। आटा मेरा गूंथकर रेडी हो गया है और ये मैंने रायता बना लिया है, इसमें अपने लिए हाफ कटोरी, अपने हस्बैंड के लिए फुल कटोरी, एंड ये है बूंदी। ये मैंने इसमें सारा जीरा, काली मिर्च और चाट मसाला सब डाल दिया है, सब प्रिपेयर कर दिया है। ये मैं लास्ट में डालती हूँ, बूंदी को लास्ट में डालने से बूंदी कुरकुरी बनती है। और इसमें है मेरा चॉप्ड हरा धनिया। तो आज मेरा ये है मेरा हॉट केस, जिसमें आज मेरा पौना नहीं है, छालना बोलते हैं जिसे, रोटी का कपड़ा वो नहीं है क्योंकि वो धुला है, तो इसलिए आज मैं फॉइल में यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ऐसे अभी रोटियाँ बना रही हूँ और लोई को बनाकर उसको राउंड शेप में फिंगर से सेट करती हूँ, उसके बाद रोटी जो है कभी भी आपकी रोटी ऐसा करने से टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, इट विल ऑलवेज टर्न राउंड इन अ सर्कल शेप, प्रॉपर सर्कल शेप। और आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ किनारियों पर अपना प्रेशर लगाएं और बीच में रोटी के प्रेशर ना लगाएं बेलन से। ऐसे मैं राउंड लोइयां बना, गोल लोइयां बनाने के बाद उसको ऐसे फिंगर से सेट कर लेती हूँ इन अ सर्कल शेप, इससे रोटी कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो जब तक मेरी एक रोटी तवे पर सिकती है तब तक मैं एक रोटी बेल लेती हूँ और दो लोइयाँ सेट कर रख लेती हूँ। मुझे चकले पर रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे उसकी हैबिट ही नहीं है, मैंने कभी नहीं बनाई है, मम्मी के घर शादी से पहले भी नहीं बनाई और अभी भी कभी नहीं बनाई है मैंने चकले पर रोटी, मुझसे नहीं बनती है चकले पर रोटी। ये है मेरा तवा और ऐसे मैंने ये रोटी इस पर डाल दी है और अब मैं फटाफट रोटियां बना रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लंच कर निकलना है फॉर वर्क। ये देखिए, अगर आप सेट कर लेते हैं तो रोटी हमेशा ऐसे गोल बनेगी, कभी भी आउट ऑफ द शेप, आउट ऑफ द सर्कल नहीं जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, अभी रोटी जो है वो हल्की हल्की पक गई है, एक तरफ से सिक गई है, किनारियों से रोटी उठना शुरू हो जाती है तवे पर, यही पहचान होती है कि उसकी जो एक फर्स्ट फ्रंट साइड है वो पक चुकी है और थोड़ा सा ऊपर से फूल जाती है। ये देखिए, ऐसा जब हो जाएगा तब हमें रोटी को टर्न करना है, वो हमें किनारियाँ देख कर पता चल जाएगा। और टर्न करने के बाद हमें गैस को हाई लेवल पर कर देना है। मेन वायर में, क्योंकि मेरी रोटी बेली हुई है, मेरी लोइयां बनी हुई हैं, तो इसलिए अब मैं रोटियों में साथ के साथ मक्खन लगा, घी लगा कर रख देती हूँ। मैं रोटियों को घी लगाकर एज इट इज़ रखती हूँ और फिर जब हम खाते, ऐसे ही रखती हूँ, जब हम रोटी खाते हैं सर्व करते हैं तो मैं उनको सीधा करती हूँ। ये देखिए, सिक गई है और अभी मैंने इसको
सेकना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप फ्रंट साइड को लो फ्लेम पर और बैक साइड को हाई फ्लेम पर करेंगे तो आपकी रोटी ऐसा करने से हमेशा फूली हुई बनेगी, आपकी रोटी कभी भी बिना फूली नहीं रहेगी। और मीनवाइल मेरी दूसरी रोटी मैंने डाल दी थी पहले ही, तो वो हल्की सी अभी कच्ची है तो मैंने उसको नहीं करा है। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मेरी अरबी की सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। और मैंने अभी इसमें चॉप्ड कोरिएंडर, कटा हुआ धनिया डाल लिया है। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नींबू। तो गाइस, नींबू को इसमें एक नींबू मुझे डालना है। और मैं ऐसे नींबू को डालने के लिए हमेशा बीच में फिंगर्स लगा लेती हूँ, जिससे नींबू के जो बीज हैं वो सब्ज़ी में ना जाएं, सिर्फ रस ही जाए। तो अभी ऐसे वन बाय वन मैं पूरा नींबू इसमें स्क्वीज़ कर लूँगी। और सब्ज़ी में जो टमाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अरबी की सब्ज़ी में नहीं डलता है, तो आप ऐसे नींबू डाल लीजिए और बीज को सब्ज़ी में जाने से ऐसे रोक सकते हैं। और अभी उसको अच्छे से फिर सब्ज़ी को स्टर कर लीजिए। और मैं इसी टाइम अपनी किचन, अपना सेलेब जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। अपनी किचन वाइंड अप करना मैं पसंद करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। बीट नाइट, लंच, मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी होता है, मैं पहले अपना सेलेब वाइंड अप, सेलेब और किचन गैस सब वाइंड अप करके, अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही खाना खाती हूँ। इट्स माई रूटीन, इट्स माई हैबिट। सो पहले मैं सारा कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना डालती हूँ। ये देखिए, मैंने खाना लगा दिया है डाइनिंग टेबल पर। और अभी रवि जो है रायते में बूंदी मिक्स कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सब रेडी हो गया है, मिक्सिंग हो रही है। तो तब तक हम चलते हैं, देखते हैं किचन। मेरी वाइंड अप है और बचे हैं सिर्फ बर्तन, जो मैं खाना खाने के बाद ही धोती हूँ। और अभी चलते हैं दैविक के पास कि दैविक क्या कर रहा है। टेबल पर लगा दिया है और मैं अभी आई हूँ दैविक को देखने कि दैविक क्या कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली स्लीपिंग और मैं आई हैव कम हेयर इन माई बेडरूम टू मेक श्योर दैट ही इज़ प्रॉपरली स्लीपिंग और नॉट, और ये उठे ना, और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और अब मैंने दैविक को देख लिया, नाउ ही इज़ स्लीपिंग, सो नाउ आई कैन हैव माई लंच विद माई हस्बैंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मेरे हस्बैंड ईजिली अवेलेबल होते नहीं हैं घर पर, तो लंच के टाइम पर एक्चुअली अवेलेबल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अभी निर्वी स्कूल से आई नहीं है, अभी हुए हैं, अभी बजे हैं 2 और निर्वी विल कम एट 2:30, सो बाई दैट टाइम वी विल हैव आर लंच। सो दैट्स इट। सो गाइस, दैविक अभी सो रहा है और मैं दिस इज हाउ ही इज स्लीपिंग कवर्ड इन हिज ब्लैंकेट। एंड से आने पर मैं उसे लंच कराऊंगी। और ये है गाइस हमारा लंच रूटीन, सो लेट्स गो टू द लिविंग रूम एंड हैव लंच। कम टाइम मिलता है लंच का रवि के साथ, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ टीवी देखना, बट रवि को मैच देखना बहुत पसंद है, सो कांट हेल्प इट। कैसी बनी है सब्जी? अच्छी है। लाइक देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।